हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह का टाइम था, यहाँ पे यीशु के पापा पूजा कर रहे थे और मैं उठते से किचन में ही लग जाती हूँ। पहले मैं नहा लिया करती थी और पूजा पाठ करने के बाद ही मैं किचन में लगती थी, बट अभी क्या है, यीशु है तो माँ यीशु को लेके घूमने चली जाती हैं और मैं किचन में लग जाती हूँ। टिफिन बनाना होता है तो यहाँ पर मैं आलू और बरबट्टी की सब्ज़ी बना रही थी और दूध वाली ने ना, वो जो दूध गाय पहले बच्चा दी होती है वो वाला जो दूध होता है वो दी थी, तो माँ को बहुत पसंद है तो उनके लिए मैं वो बना रही थी। और उसके बाद में यहाँ पे मैंने रोटियाँ बना ली। आज शनिवार का दिन था तो ये मंदिर जा रहे थे तो ये चले गए थे मंदिर। और पापा अपना नहाना धुलाना करते हैं, रेडी होते हैं, उसके बाद फिर दोनों साथ में जाते हैं और मैं यहाँ पे रोटी ही बना रही थी। और मेरी सब्ज़ी भी आज सूखी वाली सब्ज़ी थी तो आराम से मैं सब्ज़ी बना रही थी। सब्ज़ी बनाने में काफ़ी देर लगती है, मतलब सूखी वाली जो होती है उसको लाल करके बनाओ और रोटी भी थोड़ी ज़्यादा बनाना पड़ता है क्योंकि टिफ़िन लेके जाते हैं हमारे घर, इसलिए मुझे रोटी भी ज़्यादा बनाना पड़ता है। और यहाँ पे देखिए मैं पराठा भी बनाती हूँ, 3 पराठा बनाना पड़ता है मेरी छोटी वाली जो नंद है उनके लिए क्योंकि वो रोटी नहीं खाती है, पराठा ही खाती है। तो यहाँ पे मैं पराठा बना रही थी, रोटी पूरा ख़त्म होने के बाद पराठा बनाती हूँ। और गर्मी इतनी ज़्यादा थी, यहाँ पे देखिए छोटा सा फ़ैन लेकर आए थे मेरे हस्बैंड ताकि मैं रोटी वोटी बनाऊँ तो मुझे गर्मी ना लगे, बट गर्मी तो लगती ही है। और यहाँ पे सब्ज़ी बनके रेडी हो गई और यहाँ पे रोटी में मैं घी लगाने लग गई थी। और उसके बाद मैं एक साथ में सारी रोटियों में घी लगा के रख देती हूँ और जितना टिफ़िन पैक करना होता है उतना पैक करके रख देती हूँ और बाकी सारी रोटियाँ जो हैं वो हम नाश्ता करते हैं तो उसमें यूज़ हो जाते हैं। और सबसे पहली रोटी जो है ना हमारे यहाँ गाय के लिए निकलती है और सबसे लास्ट वाली जो रोटी है वो कुत्ते के लिए निकलती है। आपके घर में निकलती है या नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मतलब हमारे घर में थोड़ी सी भी रोटी बनती है ना तो भी गाय के लिए और कुत्ते के लिए निकाला जाता है। तो यहाँ पे इनका मैं इनका और पापा का टिफ़िन पैक कर रही थी। सिल्वर फॉइल सब ने मुझे कहा कि यूज़ नहीं करने के लिए, ये बेस्ट नहीं होता है, बट मेरी जो हस्बैंड है उनको यही चाहिए। मतलब दूसरे किसी भी पेपर में डालती हूँ तो उनको अच्छा नहीं लगता, वो कहते हैं कि मुझे सिल्वर फॉइल में ही दिया करो, तो फिर मैं भी दे देती हूँ। वैसे मैं रोटी ठंडा करने के बाद देती हूँ। यहाँ पे देखिए ईसू भी आ गई थी और वो मेरे पैर के पास में आके मम्मा मम्मा करने लग गई। वैसे अभी मम्मा नहीं बोलती है बट वो मेरे पास आती है तो मुझे यही फील होता है कि वो यही कह रही है। उसके बाद ईशु की दादी लेके चली गई थी उसको बाहर घुमाने के लिए और मैं किचन सफाई कर रही थी। मेरा बन जाता है जब टिफ़िन पैक कर देती हूँ, उसके बाद में किचन का जो थोड़ा काम होता है बर्तन धोना, किचन सफाई करना, स्लैब सफाई करना, वो सब मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे माँ सामने लेके बैठी हुई थी ईशु को और ईशु के पापा आएंगे तब उन्हें नाश्ता देना है। तो यहाँ पे ईशु के पापा आ गए थे मंदिर से तो उनके लिए मैं नाश्ता लेके जा रही थी। पापा नाश्ता नहीं करते, सिर्फ चाय पीते हैं। यहाँ पे ईशु की बुआ भी उठ के नहा ली थी और वो भी पूजा करने लगी थी। यहाँ पे देखिए मैंने बर्तन धो लिया है पूरा, आज टोकनी में बर्तन नहीं रखी थी। और यहाँ पे अपने लिए मैंने ये दूध वाली जो होती है इसको हमारे इधर बोलते हैं फैनुश, आपके इधर क्या बोलते हैं कॉमेंट करके बताइएगा। और स्लैब किचन सब मैंने सफाई कर दिया है और यहाँ पर ईशु आ गई। अब ईशु का टाइम हो गया उसको मालिश करना, खाना खिलाना, जो भी कुछ है। और यहाँ पे ईशु खेल रही थी तो आलू प्याज हम साइड में रखते हैं ताकि ईशु का नज़र ना पड़े, बट वो पड़ ही जाता है और वो खेलते रहती है। तो यहाँ पे आलू प्याज से खेल रही थी और जो भी कपड़े जो भी चीज़ें होती है सब निकाल निकाल के फेंक देती है। यहाँ पे देखिए सारे कपड़े गिरा दिए, फेंक दिए, सारे कपड़े धोने वाले होते हैं तो सामने रख देते हैं हम ताकि एक साथ में मिल जाए और एक साथ सारे कपड़े धुल जाए। तो बस ईशु का यही सब चल रहा था, मुझे उसकी बारिश करनी थी पर वो थोड़ा सा खेल रही थी तो मैंने कहा चलो बच्चों को थोड़ा खेलने भी देना चाहिए, तो मैं भी छोड़ दी थी और वीडियो शूट कर रही थी थोड़ा सा ईशु का। तो यहाँ पे बस यही सब मेरा चल रहा था। उसके बाद मालिश हो गई, अब आती थी ईशु को खाना खिलाने की टाइम, क्योंकि मैं क्या करती हूँ पहले मालिश कर देती हूँ, दूध पिला देती हूँ, उसके बाद ईशु को खाना खिला देती हूँ। और ईशु के नाश्ते में मैं उसे क्या देती हूँ, दूध रोटी, उसमें थोड़ा सा गुड़ और काजू बादाम हल्का सा पीस के रखी रहती हूँ, छोटे चम्मच से भी कम डाल के खिला देती हूँ। वो कभी अच्छे से खा लेती है और कभी नहीं खाती है, उसके भी बहुत अलग ड्रामे हैं। उसको खाने खिलाने में कम से कम मुझे आधा घंटा लगता है। अगर आप लोगों को एक्सपीरियंस है तो प्लीज़ आप मुझे बताइए कि मैं क्या खिलाऊँ और कैसे खिलाऊँ जिससे कि ईशु ईज़िली सारी चीज़ें खा ले। मैं शुरू से उसे अच्छी चीज़ें ही खिलाई हूँ, कुछ भी बाहर का नहीं देती हूँ, बट फिर भी वो नहीं खाती है अच्छे से। तो यहाँ पर ईशु की बुआ पूजा कर रही थी तो ईशु अपनी बुआ के पास जा रही थी बार बार, तो उसकी बुआ गोद में उठा ली और ईशु भी बस मस्त मजाक मस्ती कर रही है और ताली वाली भी बजाती है और बहुत अच्छे से पूजा करती है। उसके बाद 10 मिनट खेलने के बाद मैं ईशु को नहला दी, रेडी कर दी और यहाँ पे तैयार करने के बाद वो सो गई तो आराम से मैंने सुला दिया। अब आती है मेरी नाश्ता करने की बारी, तो यहाँ पर मैं और ईशु की बुआ बैठ के मस्त नाश्ता कर रहे थे।
नाश्ते में बस वही रोटी सब्जी था। अधिकतर हमारे घर में रोटी सब्जी ही नाश्ते में होती है। उसके बाद नीचे का काम मेरा हो गया था, यीशु भी सो चुकी थी, तो ऊपर आ गई थी मैं। ऊपर भी बहुत काम हो जाते हैं, झाड़ू पोछा करना, रूम ऐसे फैला होता है, हॉल फैला होता है, सब समेटो और उसके बाद झाड़ू पोछा करो, फिर नहाना, मतलब काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ऊपर भी आके मुझे फटाफट करना होता है क्योंकि यीशु उठ जाएगी अगर तो माँ जितने देर देखेंगी देखेंगी नहीं, तो उनके पास भी काम होता है, फिर मुझे ही यीशु को देखना होता है। और वो कभी कभी ऐसा करती है, किसी पास रहती भी नहीं है, इसलिए मैं फटाफट सोचती हूँ कि काम निपटा लूँ और यीशु को, मतलब यीशु के उठने से पहले मैं काम ख़त्म कर लूँ, नहा लूँ और उसके बाद मैं यीशु को ले लूँ। तो बस ये सारे कपड़े रखे थे, ये सब मैं फोल्ड कर रही थी, फिर झाड़ू लगाऊँगी, रूम साफ़ करूँगी, हॉल साफ़ करूँगी, पोछा लगाऊँगी, उसके बाद में फिर मेरे रूम में ही बाथरूम है तो वो सब भी मुझे डेली सफाई करना होता है। रूम में बाथरूम होते हैं तो डेली साफ़ करने ही पड़ते हैं, तो वो सब मैं साफ़ सफाई करती हूँ, उसके बाद नहाती हूँ, रेडी होती हूँ, फिर नीचे जाती हूँ। तो काफ़ी टाइम लग जाता है, बट अब क्या करें, सब करना ही पड़ता है। बेबी होने के बाद ना टाइम की इतनी ज़्यादा कमी है मेरे पास, सच में गाइस मैं क्या ही बोलूँ। मैं ना वीडियो शूट कर पाती हूँ ना एडिट कर पाती, अगर मैं शूट भी कर लूँ ना एडिट नहीं कर पाती हूँ। ये जून की वीडियो है, जून में मैंने बनाया था ये वीडियो, बट देखिए आज अगस्त आ गया है, आज मैं डाल रही हूँ क्योंकि मैं स्क्रॉल कर रही थी तो देखा मैंने कि मेरी ये सारी वीडियोस तो रह गई है, तो मैंने सोचा चलो डाल दिया जाए, क्योंकि वीडियो तो मैं शूट कर नहीं पाती हूँ, अगर कर भी लेती हूँ तो एडिट नहीं कर पाती हूँ, वॉइस ओवर नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मैंने सोचा चलो ये वीडियो डाल ही लिया जाए। और मैं ये वीडियो डाल दी, और आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गर्मी बहुत है तो इतनी ज़्यादा, मतलब गुजरात में मोरबी में रहते हैं हम लोग, राजकोट में, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है ना वहाँ पे कि क्या ही बोलूँ, बहुत गर्मी लगती है। बट अब काम वाम ये सारी चीज़ें तो करनी पड़ती है, अब गर्मी भी है तो क्या कर सकते हैं। तो बस यही सब मेरा चल रहा था। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो गाइस बाय बाय एंड टेक केयर, मिलती हूँ अगले व्लॉग में।